चंपारण लैम करी, तो अभी देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो कैसे हैं आप लोग व्हाट्सअप गाइस? दोस्तों आज वर्ल्ड फेमस चंपारण मीट करी बना रहा हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैरिनेशन कर देते हैं, तो वो देख लेते हैं मैरिनेशन कैसे करना है। तो दोस्तों मैरिनेशन हमारा हो गया है, तो अब इसे कुक करते हैं एकदम स्लो फ्लेम में, तो वो भी देख लेते हैं। दोस्तों ये स्लोली स्लोली कुक हो रहा है चंपारण मीट करी, इसका स्टीम भी यहाँ से निकल रहा है हल्के हल्के, तो इसको कम से कम कुक होने में 40 से 50 मिनट लगते हैं। तो अभी ये एकदम धीमी आंच में कुक हो रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो दोस्तों अभी हमारा जो चंपारण लैम करी है वो कुक हो गया है, तो देख लेते हैं, टेस्ट करके आपको फीडबैक देते हैं। चंपारण लैम करी, तो अभी देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि ये चारकोल की फ्लेम में कुक हुआ है स्लोली स्लोली, तो आप भी ट्राई करें इसे घर पे, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट्स तो बनता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक दिस रेसिपी, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून विद नेक्स्ट रेसिपी, थैंक यू वेरी मच।